दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लोमड़ी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोमड़ी के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ऐसी बातें बताऊंगा जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। लोमड़ी बहुत ही चालाक, मक्कार, धोखेबाज और शातिर जानवर है। इसकी चालाकी और मक्कारी के सामने बाकी सभी जानवर फेल हैं। वैसे तो होती है यह देखने में कुत्ते की तरह, और इसे कुत्ते के परिवार का भी कहा जाता है। नर लोमड़ी को अंग्रेजी भाषा में फॉक्स डॉग और मादा लोमड़ी को विक्सन कहते हैं। वे इनके बच्चों को पप्स, किट्स व कप्स कहते हैं। दुनिया भर में इस चालाक जानवर की 25 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सभी प्रजातियों में आम लोमड़ी लाल रंग की होती है, जिसे अंग्रेजी भाषा में रेड फॉक्स कहते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर लोमड़ी दुनिया के सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। लोमड़ियां आमतौर पर वन क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान व घास के मैदानों में पाई जाती हैं। लोमड़ी की प्रजाति अधिकतर उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पाई जाती है। लोमड़ी रहने के लिए जमीन की खुदाई करके अपना घर बनाती है, और यह अपना घर इतना बड़ा बनाती है कि ताकि उसमें खाने का सामान इकट्ठा हो जाए और बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सके। यह अपना घर शांत क्षेत्र में बनाती है ताकि यह आराम के साथ रह सके। लोमड़ी एक सर्वाहारी जानवर है। यह अपने आहार में रोडेंट, कीड़े मकोड़े, फल, मछली, पक्षी के अंडे और अन्य सभी प्रकार के छोटे जानवर खाती है। यह रोज़ाना लगभग 1 किलोग्राम भोजन खाती है। लोमड़ी शिकार पर अकेले ही जाना पसंद करती है। मादा लोमड़ी का गर्भकाल लगभग 2 महीने का होता है। गर्भ अवधि पूरी होने के बाद यह 1 से 10 बच्चों को जन्म देती है। यह बच्चों को जन्म अपने बिल में देती है। बच्चे 5-6 हफ्ते तक बिल में ही रहते हैं और इनकी देखभाल नर व मादा लोमड़ी दोनों करते हैं। लोमड़ी की सुनने की क्षमता भी बहुत ही उत्कृष्ट होती है। लाल प्रजाति की लोमड़ी तो 50 गज की दूरी से भी आ रही घर घड़ी की टिक टिक बड़े आराम के साथ सुन लेती है। लोमड़ी को धोखेबाज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह धोखेबाजी से छोटे जानवरों को उन्हीं की आवाज़ निकालकर बुला लेती है और उनका शिकार कर लेती है। यह लगभग 45 तरह की आवाज़ निकालने में माहिर है। कुछ प्रजाति की लोमड़ियाँ मजाकिया भी होती हैं। यह इंसानों के साथ मजाक करती हैं। जब इंसान खेतों में काम करते होते हैं तो उनके कपड़े व अन्य सामान उठाकर भाग जाती हैं, और जैसे ही इंसान इनकी तरफ बढ़ता है तो यह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। यह जब तक परेशान करती हैं तब तक इंसान पूरी तरह से दुखी नहीं हो जाता।